हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू बिगेन देन। तो आज हम क्लास मैट्रिक में कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। आज चैप्टर नंबर 1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिजाइनिंग। व्हाट इज प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है? वेलकम बैक गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज प्रॉब्लम। इन कंप्यूटर साइंस टर्म में प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर बनाना, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, इन सब किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए मेथड यूज़ होते हैं। जैसे कि किसी भी फील्ड में जो है कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है। फॉर एग्जांपल, हम बीमार होते हैं तो हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें मेडिसिन फौरन ही रेकमेंड नहीं करेंगे। पहले वो फिजिकली हमारा चेकअप लेंगे, डिफरेंट टेस्ट करवाएंगे, ब्लड टेस्ट, एवरीथिंग। फिर उसके बाद ही हमें रेकमेंड करेंगे कोई मेडिसिन और किसी अच्छे और बेस्ट रिजल्ट पे आएंगे और हमें सेहतियाबी हासिल होगी। इसी तरह कोई भी काम करने का डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की डेफिनेशन यहाँ मैंने लिखी है छोटी सी, चलें इसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक महारत है विच कैन बी डेवलप्ड बाय अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोचेस। ये बॉक्स बना हुआ है, मैंने इसमें बॉल्स कुछ बनाई हैं, ये आपको मैं प्रैक्टिकली छोटा सा करके दिखाती हूँ। इसमें से हम एक एक बॉल पिक करेंगे और बाहर रखते जाएंगे। फिर हमने अगेन एक और बॉल निकाली, अगेन एक ब्लैक बॉल आ गई, फिर वाइट, ब्लैक। तो आपने देखा कि जो बॉल्स हमने निकाली अनऑर्गेनाइज्ड थी, जिनको हमने वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच से सीक्वेंस वाइज रखा, तो इसी को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहते हैं। जो आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।